हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है डेट 13 नवंबर। 13 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं भारत का जो करंट अफेयर्स आपसे पूछा नहीं जाता, ठीक है। मिनिमम देखेंगे तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे शिक्षा कर्मी भर्ती हो, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, UPSC, छोटी छोटी पी उन तक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। PDF आपको कहाँ मिलेगा? PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बहुत सारा नोटिफिकेशन जो होता है मैं पहले से अपडेट कर देता हूँ वहाँ पर सभी जानकारी वगैरह। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम हर साल 11 नवंबर को मनाते हैं भारत में। हर साल प्रतिवर्ष 11 नवंबर को जो है हम नेशनल एजुकेशन डे, ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे हम मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बोलते हैं। इस दिन भारत के, ठीक है, इस दिन जो है भारत के पहले एजुकेशन जो मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम, ठीक है, आज़ाद की जो है जयंती होती है 11 नवंबर को, इसीलिए जो है उनको याद करके, ठीक है, ये दिवस को जो है चुना गया है। तो ये जो है उन्हीं को समर्पित है और एजुकेशन और जो सिस्टम इनको समर्पित है, ठीक है। एजुकेशन हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये जो खास करके ये हर साल जो है हम जो हमारे जो पहले जो शिक्षा मंत्री देश के अबुल मौलाना जो कलाम जी है, ठीक है जी, इनके सम्मान में इसको मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में लोक पर्व ईगास बग्वाल मनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है कौन से राज्य का, उत्तराखंड राज्य का जो है एक लोक पर्व है, ठीक है, ईगास बग्वाल याद रखना है, कहाँ पर मनाया गया है, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अभी पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, यहाँ के जो है पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड के दीपावली के लगभग 11 दिन बाद, ठीक है, दीपावली के लास्ट मतलब जो है 11 दिन बाद यहाँ पे जो मनाई जाती है ईगास बग्वाल, ये खास महत्व और जो है सांस्कृतिक धरोहर, ठीक है, ये जो है ये यहाँ के जो है लोगों के द्वारा इसको मनाई जाती है। ये बूढ़ी दीपावली यहाँ पर बोला जाता है इसको, ठीक है जी। तो ये खास करके दीपावली के लगभग 11 दिन बाद यहाँ पर जो है उत्तराखंड में यहाँ के जो लोग है मतलब दिए जला के, ठीक है, एक धार्मिक उत्सव है यहाँ के लोग के द्वारा ये मनाई जाते हैं, ठीक है, दिए जला के जो है बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे, ये पुरानी इनकी परंपरा है जो हर साल यहाँ पे मनाई जाती है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या इनमें से कोई, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन हाल ही में जो है नई दिल्ली में ये किया गया है, ये 8वें क्रम का है, ठीक है, 18वें क्रम का जो है अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव है, ठीक है, जिसके मेजबानी के लिए नई दिल्ली को चुना गया है। ये जो प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 8 से 10 नवंबर तक ये, ठीक है, ये जो है तकनीकी जो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय कला जो केंद्र है, ठीक है, यहाँ पर ये जो है इसका आयोजन किया गया है। ये भारत, ठीक है, भारत के जो भारत सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय है इसके द्वारा 8 से 10 नवंबर तक यहाँ का दिल्ली में इसका आयोजन किया, जिसमें दूर दूर के कई देशों के जो इसमें जो कलाकार है, ठीक है, जिन लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो कलाकार के जो पेंटिंग के एक प्रदर्शनी यहाँ पे किया गया है। तो ये जो है जो मतलब कला में, ठीक, मतलब कोई भी कला हो सकता है, ठीक है, ये जो खास करके कला को जो आगे बढ़ाने के उद्देश्य, ठीक है, ये जो है यहाँ पे मनाया जाता है दिल्ली में इसको। तो इसका आपको याद, कलाकार जितने भी हर कला, चाहे पेंटिंग हो चाहे कोई भी कलाकारी हो, ये जिनको जो है कलाकारों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में किस देश के जो पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये आपका सी ऑप्शन थाईलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थाईलैंड, ठीक है। तो कहाँ पर्यटन विभाग ने थाईलैंड के जो जो पर्यटन जो विभाग है सोनू सूद को जो है ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यहाँ के पर्यटन और खेल मंत्रालय द्वारा प्रमाण पत्र के साथ ये जो है इनको जो है प्रदान किया गया है। तो प्रमाण पत्र में सोनू सूद को थाईलैंड के लिए ये जो पर्यटन सलाहकार करो इनको नामित किया गया। तो खास करके थाईलैंड में आप देखें जाएंगे भारतीय यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वीजा फ्री यहाँ पे भी किया गया है, यहाँ पे जो आप जाएंगे भी तो वीजा फ्री है यहाँ पे। तो ये जो मतलब हमारे मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये बड़े बड़े जो एक्टर होते हैं इनको एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो है बढ़ावा देने के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो सोनू सूद को तो सभी जानते हैं,
चलिए बात करते हैं थोड़ा थाईलैंड के। ठीक है, थाईलैंड में बात करूँ ये जो है कंट्री की, तो ये एशिया के अंतर्गत आती है। और यहाँ की राजधानी क्या है, तो यहाँ की राजधानी को हम बैंकॉक का नाम से जानते हैं। यहाँ के जाना माना शहर भी है, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। ठीक, थाई यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो यहाँ का थाई ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ का भी प्रधानमंत्री कौन है, जो पेट्रोगोतम करके है। ठीक है, यहाँ का भी जो है प्रधानमंत्री है, जिसको आपको याद रखना है। थाईलैंड जो यहाँ के जो है घूमने लायक जगह है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ डबल डेकर बस का शुभारंभ किया गया है, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी या इनमें से कुछ। तो इसका जो है उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में जो है डबल डेकर बस का शुभारंभ किया गया है लखनऊ में। ये जो पहली बार है जो डबल डेकर बस की जो शुरुआत यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से किया गया है। नगरी परिवहन इनके द्वारा जो है चलाई जाएगी। ये बस जो है कमता से एयरपोर्ट सहित, मतलब एयरपोर्ट से यहाँ पे जो है, जो कमता जो एयरपोर्ट है यहाँ से जो यहाँ पे चलाया जाएगा। पर्यटन विभाग ने लखनऊ के ऐतिहासिक स्थलों के लिए जो है नए रूटों को भी योजना चलाया गया। साथ ही चांद जो जितने भी यहाँ पे पर्यटन जगह है, जैसे भगवान राम जी के राम जी के मंदिर, सरयू नदी है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये पर्यटन को जो है डेवलप करने के उद्देश्य से ये, ठीक है, ये डबल डेकर बस को जो है सुविधा यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और लखनऊ के लगभग 5 शहर में, ठीक है, 5 शहरों के लिए जो है डबल डेकर बसें चले गए हैं, जिसमें 65 सीट, ठीक, जो 65 सीट ये बसों में जो है, मतलब जो है आपके जो है किराया लगेगा। और ये जो बस है पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक बस है। ठीक है जी, ये जो पहली डबल डेकर है जो इलेक्ट्रिक बस है, जहाँ पे लखनऊ में जो यहाँ पे चलाया जाए यात्रियों के यहाँ पे सुविधा के लिए यहाँ पे लाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करूँ, लखनऊ इसकी राजधानी है, अभी योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में HS सोनी का निधन हुआ है, कौन थे, तो ये जो एक पोलो खिलाड़ी थे। ठीक है, AS सोनी जो है एक पोलो खिलाड़ी थे, ये भारत के जो है पूर्व दिग्गज जो है पोलो खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनका जो है हाल ही में 86 साल के एज में इनका डेथ हो गया। ठीक है, तो ऐसे निधन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरविंदर सिंह सोढ़ी बोलते हैं इनको, तो ये भी मतलब जो एजेड में बहुत सारी बीमारी होते हैं। ठीक है, तो इनके मतलब जो है हाल ही में इनका डेथ हो गया। तो कौन से खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए, पोलो खिलाड़ी हमारे भारत के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमरीका, Washington DC इसकी राजधानी है। अब यहाँ का प्रेसिडेंट कौन हो जाएगा जी, तो 47 क्रम के डोनाल्ड ट्रंप फिर से यहाँ के जो है सेकंड टाइम यहाँ के जो है राष्ट्रपति इनको बना दिया गया है। ठीक है, तो WTA क्या चीज़ है, ये जो वुमेन्स, ठीक है, याद रखिएगा, तो महिलाओं को जो है टेनिस खेल से संबंधित है, जिसको आपको पता है। WTA इसका जो है वुमेन टेनिस एसोसिएशन के द्वारा जो फाइनल ये जो है तो कोको गाप जो है टेनिस खेल से संबंधित है, तो अमेरिका की टीम ने यहाँ पे जो है जीत हासिल किया है। तो अमेरिका ने चाइना को जो है मतलब जो है मतलब हरा के जो है अमेरिका ने ये जो है टेनिस खेल प्रतियोगिता इन्होंने जीती है। हाल में किसने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 के लिए जीता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुणाल दलाल। ठीक है, तो एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 के लिए कुणाल दलाल को ये दिया गया। कुणाल दलाल को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग जो अवार्ड 2024 के, ठीक है, 2024-25 के लिए इनको दिया गया है। ये खास करके एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर के रूप में इसको जो है मान्यता दी गई है। और ये जो है मतलब लगातार दूसरा साल है, ठीक है, लगातार दूसरा साल है जो इनको जो है सर्वाधिक जो है शिक्षा ब्रांड के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। और ये जो है भारत के सबसे सम्मानित शिक्षा ब्रांड है, तो कुणाल दलाल को ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में उनके किए गए योगदान के लिए इनको दिया जा रहा है। तो हाल ही में नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है, तो रूस, याद रखिए, तो नई दिल्ली में रूस के जो व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है, रूस जिसकी राजधानी मास्को, व्लादिमीर पुतिन अभी जो प्रेसिडेंट है आप सभी को पता होगा। तो भारत में एक रूसी दूतावास जो है यहाँ पे खोला जाएगा, और ये रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन जो है किस उद्देश्य से किया जा रहा है, ये जो है मतलब दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को जो है गहरा और मजबूत करने के उद्देश्य से यहाँ पे राजधानी दिल्ली में, ठीक है, ये जो है बिजनेस सेंटर का उद्घाटन यहाँ पे किया जाएगा, तो उसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए कौन सा देश माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा, तो आपका भूटान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भूटान, ठीक है, थिम्पू इसकी राजधानी, भारत का पड़ोसी कंट्री है, लोटे शेरिंग अभी यहाँ के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो है एक तरह का निवेश कर रहा है भूटान यहाँ पे, ठीक है, एक माइंडफुल सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आपका ये शहर का नाम आपका गेलेफू
जो है भूटान रखने वाला है, जिसमें इस माइंडफोल्ड सिटी में लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर इसका निर्माण किया जाए, जिसमें ठीक है मतलब जो है 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। इस परियोजना में इको टूरिज्म, ग्रीन स्पेस, वेलनेस सेंटर, वित्त, स्वास्थ्य विभाग, ठीक प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है कारोबार यहाँ पे जो है शामिल होगा। ठीक है, तीसरी आले भूटान में इसका जो है निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया है? तो आपका कनाडा ने, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो, ठीक है चर्चा में बना हुआ था और जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो कनाडा ने अभी क्या किया है, ये लगभग 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया गया। लाखों छात्र यहाँ पढ़ाई के लिए यहाँ पे जो है कनाडा यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वीज़ा नियमों को लगातार जो है बदलता भी जा रहा है कनाडा में, और यहाँ पे चुनाव होने वाले, इस तरह के जो हरकत ये जो है कनाडा के द्वारा ये देखने को मिल रही है। तो भारत के साथ विदेशी छात्रों के लिए जो है कनाडा में जो पढ़ने लिखने वाले दिनों दिन यहाँ पे जो मुश्किल होती जा रही है, बहुत सारे जो नियम अगर यहाँ पे जो है चेंज, वीज़ा सिस्टम को जो है बंद कर दिया मतलब किया जा रहा है, और जो है लगातार नियमों पर जो है बदलाव किया जा रहा है कनाडा, और वीज़ा नियम को बहुत सारे कड़े किया जा रहे हैं कनाडा में। कई सारे वीज़ा नियम बदले भी जा रहे हैं, और हमारे भारतीय छात्र के लिए जो है ये संकट का जो है समय होते जा रहा है, मतलब बहुत सारे मौजूदा नियम वगैरह यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो है ऐसा दिक्कत कर रहे हैं कनाडा में। तो 14 देशों के छात्रों के लिए जो है लगभग झटका पड़ा आने, मतलब भी बहुत सारे यहाँ पे जो है रूल वगैरह चेंज कर रहे हैं कनाडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र, जिसको यूएन के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन का जो है 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये आपके बाकू, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाकू। ये किसकी राजधानी है? तो अजरबैजान, सुने होंगे देश जो कंट्री है अजरबैजान, यहीं की जो राजधानी है बाकू। यहाँ पे ठीक है अभी जो है COP29 जो सम्मेलन इस वर्ष, ठीक है ये जो है आपका यूएन का जो वार्षिक जलवायु सम्मेलन है, अजरबैजान की राजधानी बाकू में जो है किया जा रहा है, जिसमें सरकारों, व्यवसाय और नागरिक समाज के, ठीक है जिसमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है इस तरह के जलवायु परिवर्तन मुद्दों पर यहाँ पे जो है बात किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बाकू में किया जाएगा, और पर्यावरण से संबंधित जो है मुद्दों पर यहाँ पे जो है चर्चा किया जाएगा। इसमें तो भारत जुड़ेगा, ठीक है इस जो बैठ ये जो सम्मेलन में भारत तो रहेगा, साथ ही साथ 200 देश इसमें जो है हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को लेकर इस मुद्दों पे यहाँ पे बात किया जाए, तो इसको आपको याद रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तैयब इकराम, इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा इसको। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन बोलते हैं, ठीक है इसी के चेयरमैन तैयब इकराम को जो है ठीक है तैयब इकराम को जो है चेयरमैन इसको बनाया गया है। मैं तो बात करूं तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जितने भी आप खाल मतलब जो खेल होते हैं हॉकी, ये जो है व्यवस्था यही करता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, हॉकी और जो है जो हॉकी को जो संचालित करने वाले जो संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है। इसकी स्थापना जो है कब किया गया था, 1924 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपका स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है लॉजन स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर के खिताब जीता है? तो अरविंद चिदंबरम, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है अरविंद चिदंबरम, तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर के खिताब इन्होंने जीता है, भारतीय जो ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदंबरम, ठीक है इन्होंने जो है बेहतरीन अपने प्रदर्शन करते हुए जो खिताब इन्होंने जीती है। ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज खेल से संबंधित है, तो इन्होंने जो है ग्रैंड मास्टर के खिताब इस साल अरविंद चिदंबरम ने जीता है। लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने शपथ ली है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 51 नंबर, ठीक है तो जस्टिस संजीव खन्ना जो है भारत के 91 चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने जो शपथ ली है। प्रेसिडेंट जो हमारे द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने जो है शपथ इन्होंने दिलाई है, तब जो हमारे चीफ जस्टिस कौन हो जाएंगे? तो संजीव खन्ना हो जाएंगे, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पहले मैं ये जो सेशन लेने से पहले मैं टेलीग्राम इसको अपडेट कर दिया था, तो इनके द्वारा बहुत सारे जो काम कराए थे, जो चुनावी बांड योजना को ख़त्म करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों में जो इनका हाथ रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, अब जो है 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने संजीव खन्ना जी ने शपथ ली है, तो इसको आपको याद रखना, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
ठीक है, तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइए। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।